प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद बिहार के सासाराम ज़िले में जनता की क्या राय रही, आइए देखते हैं। ये है जनता कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जहां तक मुझे जानकारी है कि अभी तक कोई मरीज तो नहीं मिला है, बट प्रिकॉशनली भीड़ काफी कम हो गया है रोड पे और होनी भी चाहिए, और इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे भी है। देख रहे हैं एकदम कस्टमर हमारे मार्केट में नहीं है। कोरोना और प्रिकॉशन कल हम लोग बंदी रखेंगे, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है। हम लोग बंदी कल पूर्णतः बंद करेंगे। बसों में साफ सफाई डेली कराना है, और बाहर वाली बसों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम नहीं चले, नहीं के बराबर दूसरे राज्यों की बसों को, और कल जो है कोई भी बस नहीं चलेगी। हमारे बस संघ के अध्यक्ष और यहाँ के जो भी हैं ट्रांसपोर्टर, सब लोगों ने आह्वान किया है कल कोई ड्राई डे रहेगा। बस ये और तो बहुत असर पड़ा है, लोग आना जाना बंद कर दिए हैं, डर से नहीं आ जा रहा। बहुत ज़्यादा फर्क है, आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बात करने में हिचकिचा रहा है। अच्छा, जो है हम लोग सारे गाड़ी खड़ा करेंगे, ये जनता की बंदी होगी। हम लोग अपने आप जो है अपने आप को सुरक्षित रखेंगे घर में, ऑलरेडी रखा हुआ है सैनिटाइजर, और सबके सब सवारी के हाथ में भी मारा जा रहा है खुलने से पहले, उसके बाद में डिटोल वगैरह से पूछा भी मारा जा रहा है गाड़ी में। गाड़ी का पर्दा सब खोल दिया गया है। धन्यवाद। और न्यायालय परिसर में वकीलों का आना बंद हो गया है, और हम लोग भी बहुत आवश्यक हुआ तो जाते हैं, 1-1.5 घंटे चले आते हैं। बाजार में भी जितने भी दुकानें थीं, जो कि गरीब लोगों की दुकानें थी, जो ठेले वाले थे, जो पान वाले थे, चाय वाले थे, वो सारी दुकानें बंद हैं, जिसके वजह से वो काफ़ी परेशान भी हैं। लेकिन चूंकि यह एक वैश्विक बीमारी है, इसको रोकने के लिए आवश्यक है, इसलिए इस तरह का एहतियात बरता जा रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने संबोधन में कहा कि हम लोग कल सुबह 7 बजे से 9 बजे रात तक अपने को घर में रखेंगे, बंद रखेंगे, सड़कों पे नहीं निकलेंगे, ताकि इस बीमारी महामारी को फैलने से रोका जा सके। जहाँ तक सवाल है दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का, गरीब लोगों का, या जो रोज़मर्रा की कमाई करते हैं, उनके साथ आर्थिक परेशानियाँ और व्यक्तिगत परेशानियाँ तो ज़रूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता मैसेज ये देना है कि आप लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें सड़कों पर कम से कम, और घरों में जब जाएं तो अपने हाथ पैर को सैनिटाइजर से धोएं और मास्क लगा कर निकलें। और स्कूल में सब बच्चों को भी छुट्टी कर दी गई है, जो गवर्नमेंट का जो आदेश आया है। टीचरों के लिए कोरोना नहीं है, टीचरें आएंगी, कोरोना इन्हीं से खौफ खा रहा है। नहीं आ रहा है तो टीचरों के पास नहीं आ रहा है, टीचर देख लीजिए आई हुई हैं। समझ गया।